नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल ASP इन्फो हब में। दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके बहुत जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूं जो चंडीगढ़ जंक्शन और लखनऊ चारबाग के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है सद्भावना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से लखनऊ चारबाग की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 12232 और जब यह ट्रेन लखनऊ चारबाग से चंडीगढ़ जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 12231। दोस्तों, इस ट्रेन की रैक शेयरिंग एक ट्रेन के साथ है जिसका नंबर है 14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस। दोस्तों, इस ट्रेन में कैटरिंग के लिए पेंट्री कार उपलब्ध नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग उपलब्ध है और ई कैटरिंग उपलब्ध है। दोस्तों, इस ट्रेन को चंडीगढ़ जंक्शन से लखनऊ चारबाग के बीच ले जाने और ले आने का काम दो तरह के लोकोमोटिव इंजन करते हैं, जिसमें सबसे पहला लोकोमोटिव इंजन है गाजियाबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-5 और दूसरा लोकोमोटिव इंजन है गाजियाबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में 2 SLR कोच हैं, 6 जनरल डब्बे हैं, 2 सेकेंड AC के कोच हैं, 4 थर्ड AC के कोच हैं, 7 स्लीपर डब्बे हैं। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 21 डब्बे हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में कभी कभी वेटिंग संख्या ज्यादा होने के कारण एक एक्स्ट्रा कोच लगाया जाता है जिसे SE1 नाम से जानते हैं और यह कोच आपको S1 के आसपास या S7 के आसपास मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कभी कभार इस ट्रेन में टोटल 22 डब्बे होते हैं। दोस्तों, यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से लखनऊ जंक्शन की तरफ रोजाना जाती है। इस बीच दोस्तों, यह ट्रेन 644 किलोमीटर का सफर तय करती है और वह भी 11 घंटे 25 मिनट में। इस बीच दोस्तों, यह ट्रेन 14 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों, इस बीच इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर घंटे की होती है और मैक्सिमम यह ट्रेन 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाई जा सकती है। दोस्तों, चंडीगढ़ जंक्शन से लखनऊ चारबाग के बीच टोटल यह ट्रेन 107 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों, यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से चलती है, फिर अम्बाला कैंट जंक्शन पहुँचती है, फिर जगाधरी वर्कशॉप पहुंचती है, फिर यमुनानगर जगाधरी पहुंचती है, फिर सहारनपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर रुड़की पहुंचती है, फिर लक्सर जंक्शन पहुंचती है, फिर नजीबाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर नगीना पहुंचती है, फिर धामपुर पहुंचती है, फिर सियोहरा पहुंचती है, फिर मुरादाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर बरेली जंक्शन पहुंचती है, फिर शाहजहांपुर पहुंचती है, फिर हरदोई पहुंचती है और आखिरकार अपने डेस्टिनेशन स्थल लखनऊ चारबाग पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद अब चलिए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड। दोस्तों, इस वीडियो में आपने इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रेन की 2 जानकारी नहीं दे रहा हूँ, एक इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और एक इस ट्रेन के किराए के बारे में, क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घट या बढ़ सकता है और टाइम टेबल भारतीय रेल लगभग हर साल चेंज करता है। दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई से नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।